जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के अवसर पर एक उत्कृष्ट योग कार्यक्रम का आयोजन किया है। संस्थान के परिसर में सुबह 6 बजे से योग अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें 1500 से अधिक विद्यार्थियों, अध्यापकों और सामान्य जन ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार की आयुष सचिव पूनम ने योग की स्वास्थ्य उपयोगिता पर अपने विचार व्यक्त किए और आधुनिक जीवन में आयुर्वेद की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की। कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने संस्थान द्वारा योग के महत्व और चल रही प्रक्रियाओं पर बल दिया। योगा नृत्य के बाद संस्थान प्रांगण से बड़ी चौपड़ हवा महल तक एक योग चेतना रैली का आयोजन किया गया, जिसे कुलपति और मुख्य अतिथि ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान और अपेक्स इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी, अधिकारी और स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिससे योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास सफल रहा। दोपहर 1 बजे आयोजित पत्रकार वार्ता में कुलपति ने आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के आयोजन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष का आयोजन 21 जून को जयपुर के प्रसिद्ध जंतर मंतर प्रांगण में सुबह 6 बजे किया जाएगा। इस आयोजन में राजस्थान सरकार के गणमान्य विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया गया है तथा आम जनता के लिए भी निःशुल्क व्यवस्था की गई है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें शामिल हो सके और योग के फायदों का अनुभव कर सके। इस आयोजन का उद्देश्य योग के प्रति लोगों को जागरूक करना और इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना है। आयोजन की व्यापक तैयारियां और सहभागिता इस बात का प्रमाण है कि योग दिवस ने सामाजिक स्वास्थ्य और सामुदायिक जुड़ाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस उपलक्ष्य में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की तरफ से कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन 100 दिन पहले से हम शुरू कर देते हैं और कई तरह के कार्यक्रम हमने जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर और पूरे देश में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की तरफ से किए हैं। उसमें जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग भी एक है, सेना के साथ मिलकर के, वायुसेना के साथ मिलकर के, CPRF के साथ मिलकर के, यानी कई संस्थाओं के साथ मिलकर के हमने योग के कार्यक्रम किए हैं। जहाँ तक 21 जून की बात है, हमारा संस्थान जंतर मंतर पर योगा प्रोटोकॉल के अभ्यास के लिए वहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें संस्थान के सभी कर्मचारी, छात्र और अधिकारी तो भाग लेंगे, उसके साथ साथ आम जनता भी वहाँ पर सादर आमंत्रित है। और मैं आप सभी से भी निवेदन करूँगा कि आप लोग भी इस योग प्रोटोकॉल का जो हम अभ्यास होगा उसमें आएँ और अपना दायित्व हम सभी निभाएँ। देखिए, इस वक्त, इस वर्ष जो इस कार्यक्रम का थीम है वो है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, यानी स्वयं के लिए योग और समाज के लिए योग। ये बिल्कुल सही बात है कि अपने आप को स्वस्थ रखना एक बहुत बड़ा दायित्व है। अगर मैं अपने आप को स्वस्थ रखता हूँ तो एक बहुत बड़ा दायित्व मैं देश के लिए निभा रहा हूँ, और सभी लोग अगर ये संकल्प लें कि मुझे अपने आप को स्वस्थ रखना है तो देश और पूरा विश्व स्वस्थ हो सकता है और एक स्वस्थ समाज की कल्पना हम कर सकते हैं। और जो राष्ट्रीय साधनों संसाधनों का जो उपयोग हम बीमारियों के इलाज के लिए करते हैं वो बहुत हद तक हम बचा सकते हैं, अपने जीवन को लंबा कर सकते हैं, जीवन को सुखद बना सकते हैं। तो योग एक ऐसी विधा है जिससे हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, सामाजिक स्वास्थ्य और अपना आर्थिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ कर सकते हैं। इसीलिए योग का अपनाना जरूरी है। और हमारे यहाँ संस्थान के अंदर बहुत सारे विदेशी छात्र यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, वो विदेशी छात्र भी इस योग कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। और हमारा प्रयास है कि उन विदेशी छात्रों के परिवारजनों को या उनके वहाँ पर जो भी उनका दायरा है, उन लोगों को भी हम किसी न किसी तरीके से योग के साथ जोड़ें, ताकि वो छात्र हमारे प्रत्येक देश में एक एम्बेसडर के रूप में, एक राजदूत के रूप में योग के लिए और आयुर्वेद के लिए काम करें।